हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो फोटो है हमारे सामने, इसका आप आई कलर कैसे करेंगे, यानी आई का कलर आप चेंज कैसे करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप फोटो को ओपन कर लीजिए। यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और फोटो को जूम कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस से आप क्या करेंगे, जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसका एक सिलेक्शन क्रिएट करना होगा। सिलेक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एलिप्टिकल मार्कर टूल। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। अब सिलेक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका यूज यहाँ से, जैसे भी आपको सिलेक्शन बनाना है इसका आप सिलेक्शन यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। हमें आई के बराबर ही उसको सिलेक्शन रखना है और सिलेक्शन को ऊपर नीचे इस टाइप से आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सिलेक्शन को इस टाइप से बना लिया और दूसरा सिलेक्शन हमें क्रिएट करना था, हमने उसको भी क्रिएट कर लिया इस टाइप से। और यहाँ पे देखिए, ऐड पे आप क्लिक करिए, नहीं तो सिलेक्शन हट जाएगा। जैसे अभी देखिए हमारा हट गया, इस बार हमने ऐड पे क्लिक किया तो इस बार कोई सिलेक्शन रिमूव नहीं होगा, वो प्रॉपर बना रहेगा। तो इस टाइप से हमने सिलेक्शन दोनों क्रिएट कर रखा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे F7 बटन प्रेस कर देना, जिससे आप क्या आ जाएंगे, लेयर में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लेयर दिख रहा है, अब लेयर F7 से शो हो जाएगा, नहीं तो आप विंडो में आना यहाँ से, और यहाँ पे भी ये लेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी आप शो करा सकते हो। तो यहाँ पे लेयर ये आ चुका है। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, एक न्यू क्रिएट करेंगे। अब इसमें हमें आई का कलर जैसा करना है उस कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं हमें आई को नीले टाइप का करना है, आप यहाँ से जो भी कलर में करना चाहते हैं वो कलर चूज करिए, और यहाँ से आप कंट्रोल के साथ डिलीट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये कलर इस टाइप से आ जाएगा। बट अब आपको करना क्या है कि इस कलर को हमें हल्का करना है। अगर आप इसका सेलेक्शन हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल डी से आप सेलेक्शन हटा सकते हैं। हमने क्या किया, इसका सिलेक्शन हटा दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ऑपेसिटी है ये फुल पे है। आप क्या करिए, यहाँ से आके इसको हल्का कर लीजिए। जैसे ही आएंगे, ऑपेसिटी कम किए, इसी तरह हमने फिल को भी कम कर लिया जितना हमें करना था। तो इस टाइप से आप उसको जैसा रखना चाहते हैं उस टाइप से आप रख सकते हैं। अब देखिए, यही आइस को हमने प्रॉपर कलर में चेंज कर दिया। अगर आपको किसी दूसरे कलर में करना है तो आप फिर से यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इसको क्या करिए, कंट्रोल डिलीट करिए। पहले हम यहाँ से वापस आते हैं, जो हमने सिलेक्शन क्रिएट किया था यही था। अब यहाँ से आप अल्ट कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं। अब हमें क्या करना था, रेड आई को बनाना था, तो हमने रेड कलर चूज किया और यहाँ से फिर से कंट्रोल डिलीट प्रेस किया, यहाँ पे रेड आई बन गया। अब इसको आप कंट्रोल प्लस से जूम कर लीजिए और यहाँ से इसकी जो ऑपेसिटी है उसको हल्का कर लीजिए, तो वो कलर भी यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आपको जिस कलर का बनाना है उस कलर को आप सेलेक्ट करके यहाँ से बहुत ही आसानी से आई का कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसका देखिए, इस टाइप से हमने इसका कलर चेंज कर दिया। तो आई का आपको जिस कलर का करना है उस टाइप से कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब